नमस्कार, शशि शर्मा किचन में आपका स्वागत है। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बसंत पंचमी के अवसर पर बनाएंगे जो पूजा में जो सरस्वती माता की जो पूजा होती है बसंत पंचमी में, उनके लिए पीला और मीठा भोग लगाया जाता है। उसका कलर पीला बसंती ये होता है और साथ में वो मीठा होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है बसंत पंचमी का बनाने के लिए, वो सबसे ज़्यादा हर घर में पीले चावल बनाए जाते हैं बसंत पंचमी पे, पीले चावल और मीठे चावल। तो दोस्तों, आज हम वो भी बनाने जा रहे हैं भोग लगाने के लिए माता अपना सरस्वती जी को। और आज हमने उसके लिए कढ़ाई गैस पे लगा दी है और मैं चावल बनाऊँगी इस हिसाब से कि दो लोगों के हिसाब से। तो मैंने जो एक कटोरी चावल लिया है और एक कटोरी चावल में ये मैंने एक कटोरी चावल लिया है। ये काफ़ी हो जाएगा दो लोगों के लिए, चार लोग खा लेंगे इतना बनेगा इसमें। ये बासमती चावल है और कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, जिनमें से ये कच्चा वाला नारियल लिया है मैंने, कुछ किशमिश लिए हैं, कुछ मूंगफली के दाने लिए हैं, कुछ काजू लिए हैं और कुछ बादाम लिए हैं इसमें डालने के लिए। और कुछ लूँगी मैं हरी इलायची भी लूँगी। तो ये आज हम बना रहे हैं, इनको मैंने पानी गैस पर चढ़ा दिया है और उसमें ये चावल जो डाले जाते हैं वो चावल मतलब पानी में निकालूंगी बाद में, इसमें कलर डालूंगी उसके हिसाब से, उसको पीला रंग देने के लिए। पीला रंग देने के लिए आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं, केसर से भी पीला रंग, लेकिन केसर से उतना पीला रंग होता नहीं है, अच्छा इतना रंग का कलर नहीं हो पाता जैसे पीले चावल में करने। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं फूड कलर, जो मतलब मिठाई वाले जो कलर आते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। जरा सा चुटकी भर डाल देंगे तो उससे कलर चावल का पीला हो जाएगा या ऑरेंज हो जाएगा, जैसा भी आपके पास हो। और उससे 100% बॉयल नहीं करना है बस, मतलब ये लगा लो कि 60-70% बॉयल करूँगी और उसके बाद दोबारा से फिर तड़का लगा के ड्राई फ्रूट वगैरह डालूंगी, तो फिर कुछ उसमें स्टीम में उसमें हो जाएंगे बाद में। डाल दिया, इतने चावल बॉल होते हैं, इतने हमने सारी सब तैयारी कर ली है। चावल गैस पे चढ़ा के इतने चावल पकेंगे फिर हम देखेंगे। दोस्तों, हम चावल हमने डाल दिए हैं कढ़ाई में और अब हम थोड़ा सा इसमें अभी कलर डाल देंगे जिससे इसका कलर पीला हो जाए। ऑरेंज कलर है मेरे पास में, सबका कलर हो गया पीला, बहुत जरा सा डालने की जरूरत पड़ी है, चुटकी भर ही डालने की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। ये अब सब चावलों का कलर पीला हो जाएगा, बसंती कलर बनेगा अच्छे से, बहुत ही सुंदर कलर आएगा चावल पे। ये मिठाई वाले कलर हैं जो मिठाई वगैरह बनाते हैं हलवाई लोग, वो जिन कलर को यूज करते हैं ये वो वाला कलर है, ऐसे बहुत सुंदर कलर आएगा इससे, फूड कलर बोलते हैं इनको। बोल हो गए मेरे, इतनी देर में मैं सारे ड्राई फ्रूट को कट कर लूंगी, बादाम और काजू वगैरह को सबको कट करूंगी इतनी देर में। ये 60-70% बॉयल करना तो बॉयल हो जाने को देर हो, ज़्यादा समय नहीं लगता, वो जल्दी बन जाती है ये चीज़ें। चावल येलो कलर के हो जाएंगे, चावल दोस्तों पक गए हैं जितने मेरे को चाहिए पके हुए, 100% नहीं हुए हैं ये, 70% बॉयल हुए हैं। अब मैं इन चावलों को पानी इसका निकाल देती हूँ और दोबारा से फिर इसको तैयार करूँगी। देखिए दोस्तों, मैंने चावल का पानी निकाल दिया है, यानी चावल को पसा दिया है, ये ऐसे चावल तैयार हुए हैं, बिल्कुल कितना सुंदर कलर आया है और ये 60-70% पक चुके हैं, 100% नहीं पकाया मैंने इनको। अब मैंने दोबारा कढ़ाई गैस पे रख दिए और अब मैं इनको तैयार करूँगी मीठा स्वीट जो बनाते हैं, मीठे चावल जिनको बोलते हैं हिंदी में,
वो मैं तैयार करूंगी। हाई गैस पे रख दी जल्दी, अब मैं डालूंगी इसको, यूज करूंगी गाय का घी। तो मैं देसी घी यूज करना है दोस्तों, कोई रिफाइंड या कुछ और दूसरी चीजें नहीं करनी चाहिए यूज हमें, कोई भी किसी भी टाइप का वेजिटेबल ऑयल नहीं इसमें। घी डालना, घी से ही तड़का लगाते हैं, देसी घी से, ये ध्यान रखें। गैस को धीमा कर दिया है, एक तेज पात का पत्ता डालूंगी मैं, पांच सात डाल रही हूँ, पांच सात डाल रही हूँ इलायची, हरी वाली इलायची डाली है मैंने, ये ध्यान रखें, काले वाली नहीं है, हरी वाली इलायची डालेंगी। तेज का जैसे ही हरी वाली इलायची होती है मैं डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट में मैं डाल रही हूँ मूंगफली के दाने जो मैं लिए, कुछ काजू लिए हैं, काजू डाल दिए मैंने, कुछ बादाम के कतरे, बादाम को कट कर लिया है, और कुछ किशमिश ली हैं। गैस को पूरी तरह से अब फिर दोबारा से सिम कर रही हूँ मैं, गर्म हो गया घी, थोड़ी सी किशमिश और कुछ लिया मैंने नारियल को कट करके, फ्रेश नारियल लिया मैंने, सूखे वाले नारियल से बचा। आप सूखा नारियल आपके पास है कच्चा गोला है वो ऐसा वो मतलब गोले वाला जो होता है नारियल वो है तो आप वो भी ले सकते हैं, मेरे पास कच्चा नारियल था तो इसलिए मैंने कच्चा नारियल यूज किया है। हमने इतनी शुगर ली है इसकी जितनी कटोरी, एक कटोरी भर गया था, वन थर्ड कटोरी लिया मैंने शुगर, यानी एक कटोरी अगर चावल है तो उसके हिसाब से उसका वन थर्ड पार्ट यानी एक तिहाई पार्ट लेंगे चीनी, शुगर ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना शुगर काफ़ी हो जाएगा उसमें मिठास के लिए, चावल में अपना भी खुद मिठास होता है। अब सिम गैस पे करें ये सारा काम, गैस गर्म हो, जैसी कढ़ाई गर्म हो जाती है तेल उसके बाद में गैस को सिम कर दें पूरी तरह से, और सिम गैस पे ही सेकें सबको इनको। अब मैं इसमें चावल डाल देती हूँ, चावल डाल दिए सारे, कितना सुंदर कलर आया है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, चावल डाल दिए। अब साथ में मैं डाल देती हूँ इसमें शुगर, और फिर सबको मिक्स कर देती हूँ। मिक्स कर दिया मैंने, अब मेल्ट हो जाती है बहुत जल्दी गर्म में, शुगर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी। ये ध्यान रखें जब भी ऐसी चीज़ें बनाएं ना तो भारी तले वाला कढ़ाई लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब इसमें कहीं भी कुछ पानी नहीं है, सब पानी भी निकाल दिया। और इसको जरा सी देर में इसको पकाऊंगी थोड़ा सा, मैं इसको दो मिनट में तीन मिनट में ये चावल तैयार हो जाएंगे। इसको मैंने स्टीम में पकाना इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कढ़ाई भारी तले की लें जब इसको दोबारा से तड़का लगाते हैं तब। दोस्तों चावल बुरी तरह से तैयार हो गए हैं, उनको मीठे चावल या स्वीट राइस कुछ भी बोल सकते हैं, ये बसंत पंचमी के दिन बनाए जाते हैं, और ये सरस्वती माता का भोग होता है। तो अब हमारे देख लीजिए ये भोग तैयार, सरस्वती मैया का भोग तैयार हो गया है, पूरी तरह से चावल पूरी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। इतना ही पकाना हमें, बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना, हम गैस बंद कर देते हैं पूरी तरह से। देखिए बिल्कुल कुछ भी, बहुत बढ़िया चावल बने हैं ऐसे, देखिए कितना बढ़िया, इतने ड्राई फ्रूट हैं इसके अंदर, और वो बहुत ही टेस्टी मिठाई के जैसे बन गए हैं, बिल्कुल देसी घी में, गाय के घी में बनाए मैंने और सारे ड्राई फ्रूट डाले हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी चावल बने हैं। अब मैं गैस कर देती हूँ बंद, हमारे चावल तैयार हो गए, अब गैस में गैस कर रही हूँ बंद बस। अब इसको थोड़ी देर में ऐसे ही छोड़ दूंगी पाँच मिनट के लिए, जो और अच्छे से वो सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर ले, और उसके बाद में फिर मैं इसको सर्व करके भोग लगाने के लिए तैयार कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू, ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो आप मेरी वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए दोस्तों, चावल मैंने बॉईल में कर दिए हैं, अब पूरी तरह से चावल तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं, ओके बाय।